हाय फ्रेंड्स, मैं आकाश आपका स्वागत करता हूँ दीक्षा डी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टैटिक जीके का और एक पार्ट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है, ज़रूर इसको फॉलो कीजिए, बहुत सारे एग्जाम्स है अभी। तो चलिए शुरू करते हैं, उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते, क्या रुपी वॉज डिवैल्यूड बाई व्हाट परसेंट जुलाई 1991 में कितना डिवैल्यू किया गया था रुपी को, दैट इज़ 20%। ठीक है, अच्छा मैड्रास का स्टेट रीनेम तमिलनाडु कब किया गया, दैट इज़ इन 1969, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा कौन कंट्रोल करता है क्रिकेट मैच को, उसको हम लोग अंपायर बोलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हेन वाज द जीरो बेस बजटिंग इन इंडिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड, कब जीरो बेस बजटिंग इंडिया में एक्सपेरिमेंट हुआ था, दैट इज इन अप्रैल 1987 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर ड्विंडलिंग फॉरेस्ट रिसोर्स टूडे, क्योंकि देखिए ओवर फिलिंग, ज़्यादा क्या होता है काट दिया जा रहा है पेड़ पौधे, तो उसके ओवर फिलिंग। नेक्स्ट देख लेते, वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो सरोजनी नायडू। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच एनिमल हैव अ डाइट मेनली कंसिस्टिंग ऑफ बैम्बू, तो बैम्बू खाता है क्या मेनली, दैट इज रेड पंडास। नेक्स्ट देख लेते, अमर्त्य सेन द NRI नोबेल लिटरेट गॉट द ऑनर फॉर विच वर्क, इकोनॉमिक्स के लिए उनको मिला था अमर्त्य सेन को। अच्छा वेयर डिड इंडिया मेड अ डेब्यू इन ओलंपिक फुटबॉल, में डेब्यू कब किया था, फर्स्ट कब खेला था, दैट इज इन लंडन 1948 में दोस्तों। अच्छा ये भी क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, दैट इज 776 BC ग्रीस में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, द सेलिब्रेटेड नोबेल द गॉडफादर वाज ऑथर्ड बाय व्हिच ऑथर, तो ये मारियो पुजो ने लिखा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, कम्युनिज्म का बाइबल हम लोग किसको कहते हैं, दैट इज दास कैपिटल। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को। अच्छा विच लैंग्वेज वॉज यूज इन लिटरेचर ऑफ संगम, संगम पीरियड में कौन सा लिटरेचर जो हुआ था उसमें कौन सा लैंग्वेज था, दैट इज तमिल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच एनिमल रिजेंबल्स मोस्ट टू ह्यूमन बींग्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी, दैट इज चिंपांजी। नेक्स्ट देख लेते, विच वॉज द चोला किंग हु कॉन्क्यूर्ड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका एंड मेड इट अ प्रोविंस ऑफ हिज एम्पायर, दैट इज राजा राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरिंग सेंटर इन द वर्ल्ड लोकेटेड, दैट इज डेट्रॉयट। अच्छा अफगानिस्तान किस बेसिकली उसमें क्या इंडस्ट्री है, दैट इज़ कारपेट मेकिंग, कारपेट बनाते हैं अफगानिस्तान में। अच्छा नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अमंग साउथ एशियन कंट्री विच वन इज़ द मैटरनल मॉर्टलिटी रेशियो पर 1000 लाइफ बर्थ, सबसे लोएस्ट कौन सा है, वो बांग्लादेश है। ठीक है, अच्छा गम गोपी कृष्ण क्या रिलेटेड है, दैट इज़ कत्थक। अच्छा विच इज़ अ लैंड लॉक कंट्री, तो लैंड लॉक कंट्री जिम्बाब्वे है। अच्छा सत्यजीत रे किससे एसोसिएट है, तो सत्यजीत रे डायरेक्शन ऑफ फिल्म्स के साथ एसोसिएट है। अच्छा विच प्लांट इज रेफर टू एज अ लिविंग फॉसिल, तो गिंगो को हम लोग लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते, क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, दैट इज स्टार्ट हुआ था बॉम्बे August 8, 1942 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इन विच ईयर UN एस्टैब्लिश द UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वो 1964 में एस्टैब्लिश किया गया था। अच्छा सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी बनाने में कौन मदद किए थे, दैट इज़ राज बिहारी बोस। अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, UN प्रोग्राम एंड नॉट स्पेशल एजेंसी, एक प्रोग्राम है कोई स्पेशल एजेंसी नहीं है, दैट इज़ UNEP। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉन विद द विंड ये किसने लिखा था, तो दिस इज रिटन बाई चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, विच मैमल्स रोल्स इटसेल्फ इनटू बॉल एट द टाइम ऑफ डेंजर, तो हेगो। और व्हिच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, तो वो गुजरात है। ठीक है दोस्तों, तो ये 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ज़रूर आप देख डेफिनेटली इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।